होली के ठीक बाद हम लोग इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। कहा जा रहा है हाजीपुर से आपकी बहन आपके खिलाफ लड़ेंगी आशा पासवान, कमजोर पड़ जाएंगे। देखिए मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ, जो भी चुनौती आएगी मैं उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं चुनौतियों से ना डरा था ना भागा कभी। वैशाली हमारे पक्ष में सीट आया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा आदेश होगा वैसा काम। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है और एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर लिया है। और आज आपने देखा है कि जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। देखिए अभी अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं चिराग पासवान। आपको मालूम है कि चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें आई हैं। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर चिराग पासवान के पहलवान, चिराग पासवान के दावेदार मैदान में कौन कौन होंगे। देखिए अभी अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं चिराग पासवान, तो हमने भी चिराग पासवान से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर कब चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। देखिए हमने उनसे ये भी पूछा है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि हाजीपुर में चिराग पासवान के खिलाफ ताल ठोकेंगी उनकी बहन आशा पासवान। और देखिए पशुपति पारस को लेकर भी हमने चिराग पासवान से सवाल किया है, तो हर सवाल का चिराग पासवान ने बड़े ही तसल्ली से और बड़े ही तफसील से जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सबसे पहले आप चिराग को सुनिए। 5 दिन में इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। कल आज रात में देर रात में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें नामों पर संभवतः अंतिम मोहर लग जाएगी और मुझे लगता है होली के ठीक बाद हम लोग इसकी औपचारिक घोषणा गठबंधन पहले पार्टी में बातचीत हो जाए, चर्चा हो जाए, फिर इसको बताया जाए। कहा जा रहा है हाजीपुर से आपकी बहन आपके खिलाफ लड़ेंगी आशा पासवान, कमजोर पड़ जाएंगी। देखिए मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ, जो भी चुनौती आएगी मैं उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं चुनौतियों से ना डरा था ना भागा कभी, और यही कारण है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। तो आने वाले समय में जो भी चुनौती होगी वो सब स्वीकार है। पशुपति पारस ने कह दिया 5 सीटें जो आपको मिली उस पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। प्लीज खड़े, जैसा मैंने कहा कि मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। तैयार है, सबसे पहले बहुत बधाई, 5 सीटें मिल गई है चिराग को। थैंक यू। उस बार 6 में से 6 जीते थे, 5 में से 5 जीतेंगे इस बार? 5 में से 5 और 40 में से 40। पिछली बार एक सीट हम लोग चूक गए थे किशनगंज वाली, इस बार वो सीट भी जीतकर 40 की 40 सीटें प्रधानमंत्री जी के झोली में डालेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। देखिए साफ साफ कह दिया है कि होली के बाद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी। बड़ी बात कही है, ये भी कहा है कि आज एक बैठक भी बुलाई गई है और उसमें भी चर्चा होगी, यानी कि आज का दिन काफी अहम होने वाला है। बता दिया है चिराग ने कि आखिर कब सस्पेंस से पर्दा उठेगा, कब मालूम चलेगा कि चिराग पासवान के पहलवान, चिराग पासवान के दावेदार मैदान में कौन कौन होंगे। देखिए बड़ी बात ये रही कि चिराग पासवान को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे महबूब अली कैसर, चिराग पासवान के स्वागत के लिए यहां पर पहुंची हुई थी एमपी वीना देवी, तो हमने वीना देवी जी से भी बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि क्या इस बार भी वैशाली में वीना देवी ही ताल ठोकेंगी। तो जरा सुनिए क्या कुछ बताया है वीना देवी ने। साथ आई हैं आप, क्या टिकट कंफर्म हो गई वीना जी की? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी का अभी घोषणा नहीं हुआ, घोषणा हो जाएगा तो। लगता क्या है वीना देवी को, वीना देवी को क्या लगता है टिकट कंफर्म है वैशाली से? वैशाली हमारे पक्ष में सीट आया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, तो जब घोषणा होगा तो आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा क्या लगता, क्या मिलेगा वीना देवी को, फिर से भरोसा करेंगे? क्यों नहीं भरोसा करेंगे, करेंगे, लेकिन आप तो पारस जी के साथ चली गई थी, क्या नाराजगी है? कब देखी थी पारस जी के साथ? हम तो उन्हीं के साथ। नहीं नहीं, हम तो 2 साल से इन्हीं के साथ हैं, चिराग के साथ हैं। नाराजगी दूर हो गई है? कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी, दावेदार बहुत है वीना जी, वैशाली का रन आसान नहीं है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा आदेश होगा वैसा काम। बात क्या हुई, चिराग ने क्या बोला वीना देवी? ऐसा कुछ नहीं बात हुआ। तो
सुना आपने क्या कुछ बता रही हैं वीना देवी। देखिए बड़ी बात कह दी है, हमने उनसे पूछा था कि क्या चिराग पासवान की नाराजगी वीना देवी से दूर हो गई है, तो वीना देवी ने साफ साफ कह दिया है कि कभी कोई नाराजगी थी ही नहीं। साफ साफ कहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वैशाली में मैं ही ताल ठोकूंगी। बड़ी बात वीना देवी ने कहा है। और देखिए हमने आपको सुनाया है कि चिराग पासवान ने भी क्या कुछ कहा है। देखिए मीडिया कर्मियों ने भी चिराग पासवान से बातचीत की है और वहां पर भी चिराग पासवान ने कई राज खोले हैं। क्या कुछ कहा है चिराग ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान, वो भी आप सुनिए। सबसे पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने गठबंधन का नेतृत्व करते हुए गठबंधन के हर एक साथी को सम्मान देने का काम किया। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे गठबंधन के तमाम साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, तमाम हमारे गठबंधन के घटक दलों का मैं धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को सम्मान दिया, ये सम्मान हमारे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के संघर्ष और उनके धैर्य को ये सम्मान दिया गया। मैं अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का भी धन्यवाद करता हूं। ये एक सुखद पड़ाव है, अभी चुनावी रण में जाना है, पर पूरा विश्वास है कि आगामी चुनाव में 40 की 40 सीटें जीतकर हम लोग हमारे प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे और जो लक्ष्य हम लोग को मिला है 400 पार का, वो लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। देखिए ये गठबंधन के भीतर करने वाली बातें थी, उनकी गठबंधन के भीतर क्या बात हुई है नहीं हुई है मेरी जानकारी में नहीं है। अलग होने का परिवार और पार्टी से उस वक्त भी फैसला उन्हीं का था, आगे क्या करना है ये फैसला भी वही लेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं चिराग पासवान, क्या कुछ कहा है वीना देवी ने। देखिए साफ साफ चिराग पासवान ने लाइव सिटी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बता दिया है कि आखिर कब चिराग पासवान उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। साफ साफ कहा है कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। और हमने चिराग से ये भी पूछा है कि चिराग पासवान की तरफ आस भरी नजरों से देख रहे हैं महबूब अली कैसर, आस भरी नजरों से देख रही हैं वीना देवी। चिराग पासवान ने महबूब अली कैसर और वीना देवी के मुतालिक क्या सोचा है, ये भी हमने उनसे जानने की कोशिश की है। तो देखिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, देखना ये भी होगा कि आखिर चिराग पासवान किसके हक में फैसला करते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।